आपको बुलवा ले लेंगे। महोदय, 11 बजे से लेकर के अभी तक मैं एक सूचना के लिए सो चिल्लाते रह गया। अभी तक सूचना मुझे नहीं मिला, मुझे ब्लड प्रेशर काफी गड़बड़ा गया। मैं सूचना यही था महोदय कि इस विधानसभा के पक्ष और विपक्ष के लॉबी में सभी शहीदों का मूर्ति लगा हुआ है महोदय, उनके सम्मान में सो हम लोग देखते हैं, सर नतमस्तक करते हैं। हमारे यहाँ प्लामू के भंडरिया के रहने वाले शहीद भाई नीलांबर पीताम्बर, जिनका शहादत 28 मार्च को हम लोग मनाते हैं, उनकी तस्वीर मैं हर एक कॉर्नर में देखा, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। मैं चाहता था कि सूचना के माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार को बताएं कि उनका भी एक मूर्ति लगाया जाए, एक तस्वीर लगाया जाए, जिससे हम लोगों के प्लामू वासियों को, खासकर शहीदों के प्रति, उनके प्रति हम लोग का सम्मान बढ़ सके। और इसके लिए हम बार बार आग्रह करते रहेंगे, लेकिन चलिए सूचना में हमको नहीं बोलने का मौका मिला, इसके लिए काफी हमें मलाल और काफी दुख है। महोदय, जैसा मैं महसूस करता हूँ कि मैं प्लामू से आता हूँ, अति पिछड़ा से आता हूँ और पिछड़े वर्ग से आता हूँ। अब यही कारण है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा का हमको दिखाई पड़ता है, ये हमको मुझे महसूस होता है और ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को किस प्रकार से निगलती है, इस सदन में आकर के मुझे पूरा महसूस होता है। पहले मैं किताबों में पढ़ता था, लेकिन किताबों में पढ़ता था महसूस होता था कि निश्चित रूप से ऐसा होता है, लेकिन हम पर लागू होगा ऐसा नहीं महसूस होता है। आज आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को, ये विपक्ष लोगों को, बीजेपी वाले लोगों को 26 मिनट का टाइम दिया गया बोलने के लिए। 26 मिनट मेरी बड़ी बहन पूर्व मंत्री रही, हमने टाइम देखा तकरीबन 23 मिनट टाइम है सो आपने ले लिया, और 23 मिनट ये सदन ने उनको टाइम दे दिया। अब हमारे पास मात्र 3 मिनट का टाइम बचा। मैं बताऊं, मैं भी पूरे एक साल से तैयारी करके रखा था कि मुझे बोलना होगा शिक्षा में, चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, मेरी भी ऐसा शिक्षा से रुचि है, पढ़ाई के मामले में जहां तक है मैं भी ऐसा किसी से कम नहीं हूं, है डबल एमए किया, पीटी किया, यूनिवर्सिटी का टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन इतना तैयारी के बाद भी मुझे बोलने का 3 मिनट मौका मिला। अब 3 मिनट में मैं क्या बोलूंगा मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैं अपना समय को बिना ये बर्बाद किए हुए, अपने वरीय सदस्यों को देते हुए अपना समय हम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ, केवल ताली बजाने के लिए मैं नहीं आना चाहता हूँ। मान्य सदस्य, ऐसा नहीं होता है कि केवल हम ताली बजाने के लिए, मान्य सदस्य काफी तकलीफ है। मान्य सदस्य, आप काफी शिक्षित है, आपका क्वालिफिकेशन भी काफी ज्यादा है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आप अगर आपको हम समय देते, आप बोलना प्रारंभ करें तो बोलना क्या करें, आसन का मजबूरी है। आप एक शिक्षित व्यक्ति का परिचय ऐसा नहीं होता है मेहता जी, आप बोलिए बोलिए, आपको 2-4 मिनट बढ़ा के देंगे। महोदय, आपके लिए मैं कई बार, बाकी विधानसभा की जनता ने 1 लाख भोग दे करके बोलिए जीत करके आया हूँ। आप शिक्षित व्यक्ति हैं, चाहिए था हमें, क्या संरक्षण मिलेगा हमने, आप दे दीजिए किसी और को, आप दे दीजिए किसी और को, आप लोग बोल दीजिए। मान्य सदस्य बोलिए, आपको समय दे रहे हैं, समय बढ़ा हुआ है, हम लोग को एक दिन मिलता है, समय बढ़ा हुआ है। मान्य सदस्य आप बोलिए, हमको नहीं बोलने की इच्छा, हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं बैठेंगे, किसको कुछ बोलने के लिए सुने, आपको आप बोलिए ना मेहता जी, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए बोलिए, नहीं बोलूंगा मैं, मेहता जी बोलिए, आपने समय बढ़ा हुआ है, समय बढ़ा हुआ है, आप बोलिए मेहता जी, आपका समय बढ़ा हुआ है, बोलिए। नहीं नहीं, हम इसलिए आग्रह किया कि मेहता जी काफी शिक्षित हैं, काफी शिक्षित हैं, और उनको समय हम देते ही, बढ़ा हुआ समय था,